हेलो साथियों, मैं राजेश कुमार सिंह आपका अपना प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में हृदय से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में बताएंगे 2021 में दिए गए सभी पुरस्कार जो कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एग्जाम से पहले एक बार यह वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि एक एक नंबर कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रोफेसर सी आर राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। मतलब ये जो है सी आर राव शताब्दी जो है गोल्ड मेडल पुरस्कार जो है अवार्ड देने की किस व्यक्ति को घोषणा किया गया, तो वह व्यक्ति है दोस्तों आपका जगदीश भगवती और सी रंगराजन, यानी ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों बता दें कि यह जो पुरस्कार है यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो वह संस्था है TIES, मतलब द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो ये लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जो है ये दिया गया है डॉक्टर ये साइरस पूनावाला, कौन, डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया जाने की घोषणा किया गया। तो ये जो है दोस्तों दिया जाता है लोकमान तिलक ट्रस्ट है ये संस्था, उसी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी लोकमान तिलक एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2021 में किसने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है, यानी मिस इंडिया संयुक्त राज्य अमेरिका का खिताब किसने जीता जो जुलाई 2021 में हुआ था। तो ये है दोस्तों आपका ये वैदेही, कौन है, वैदेही डोंगरे, यानी ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए जो है हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, यानी किस भारतीय अर्थशास्त्री को जो है हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो वो है दोस्तों आपका कौशिक बसु, यानी ऑप्शन ए सही है, ये कौशिक बसु को दिया गया है। तो ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ये है एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये जो है फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किस भारतीय को जो है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, यानी किस भारतीय को जो है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो वह व्यक्ति है दोस्तों आपका सैयद उस्मान अजहर मकसूरसी, कौन है, सैयद उस्मान अजहर मकसूरसी, यानी ऑप्शन ए सही है। तो ये है दोस्तों आपका हैदराबाद हैंगर एक्टिविटीज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार, कौन पुरस्कार, फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो ये है दोस्तों आपका पालागुमी साईनाथ, कौन है, पालागुमी साईनाथ, यानी ऑप्शन ए सही है।
तो ये जो है दोस्तों दिया जाता है आपको जापान सरकार के द्वारा, जापान के द्वारा ही ये फुकुओका पुरस्कार 2021 ये दिया जाता है। और इसका जो है कैटेगरी था दोस्तों ग्रैंड प्राइज ऑफ द फुकुओका प्राइज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में US इनोवेशन अवार्ड किस भारतीय टीम ने जीता है? तो ये भारतीय टीम है दोस्तों आपका सॉफ्ट, कौन है, सॉफ्टवर्थी, सॉफ्टवर्थी जो है ये US इनोवेशन अवार्ड पुरस्कार ये भारतीय टीम ने जीता है। तो ये है दोस्तों नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन USA ये द्वारा जो है इसको कराया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार विश्व का जो है सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है? यानी स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट रिपोर्ट्स जो है 2021 के अनुसार विश्व में सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे जो है मान्यता दिया गया? तो वह एयरपोर्ट है दोस्तों आपका ये हमाद एयरपोर्ट, कौन है, हमाद एयरपोर्ट, ऑप्शन ए सही है। तो हमाद एयरपोर्ट जो है दोस्तों इसको दिया गया है ये एयरपोर्ट आपको दोस्तों, ये हमाद जो है कतर में है, कहाँ है, कतर में, कतर के ये दोहा में है ये हमाद एयरपोर्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन धन योजना के अंतर्गत किस राज्य ने जो है 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो कौन सा राज्य है जो वन धन योजना के अंतर्गत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? नागालैंड, ऑप्शन बी सही है। तो इसका कैटेगरी था दोस्तों बेस्ट सर्वे स्टेट बेस्ट ट्रेनिंग। तो देख लेते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों आइजनर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों आपका जीता है आनंद राधा कृष्णन, ये है आनंद राधा कृष्णन, ऑप्शन डी सही है, जिसने आइजनर पुरस्कार 2021 जीता है। तो इसका कैटेगरी था दोस्तों आपका बेस्ट पेंटर एंड मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 जो है किसे प्रदान किया गया? तो वो है दोस्तों आपका वाइस एडमिरल विनय बधवार, कौन है, वाइस एडमिरल विनय बधवार, यानी ऑप्शन बी सही है। यह जो दोस्तों जो है प्रेजेंट में जो है ये आपका प्रेजेंट में जो है यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये जो है वर्तमान में कहाँ है, यूके जो है मिनिस्ट्री डिफेंस में जो है ये अभी है वाइस एडमिरल विनय बधवार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मिलेनियन टेक्नोलॉजी अवार्ड, कौन, मिलेनियन जो है टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 का जो है किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड जो है दोस्तों आपको दिया गया शंकर, ये जो है दोस्तों शंकर बालासुब्रमण्यम के साथ साथ इसको डेविड क्लेनरमैन को जो, यानी इसका दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन को एक साथ जो है यह मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो इसका जो है इन्वेशन था दोस्तों नेक्स्ट जेनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ टॉप जो है परफॉर्मर राज चुना गया है? तो वह कौन सा राज्य है जो स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ टॉप पर रहा है? तो वह राज्य है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आपका, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में जो है किस शहर को संपूर्ण विकास के लिए बेस्ट शहर चुना गया है, तो वह कौन सा शहर है जिसे स्मार्ट सिटी पुरस्कार द्वारा जो है 2020 में जो है संपूर्ण विकास के लिए बेस्ट शहर चुना है, तो वह शहर है दोस्तों आपका इंदौर और सूरत, यानी ये दोनों शहर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, इंदौर और सूरत दोनों सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, यानी किस जल विद्युत परियोजना को जो है ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया, तो वह परियोजना है दोस्तों आपका मंगदेछु जल विद्युत परियोजना। कौन परियोजना है? मंगदेछु जल विद्युत परियोजना, यानी ऑप्शन ए जो सही है। ये परियोजना कहाँ है दोस्तों मंगदेछु? तो ये है आपका दोस्तों भूटान के, ये परियोजना है जिसे ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये किस नदी पर है? तो ये नदी के ही नाम है दोस्तों, मंगदेछु ये नदी का ही नाम है, इसी पर यह परियोजना बनाया गया था। तो इसको दिया गया है, इसको किस संस्था के द्वारा दिया गया, तो ये है दोस्तों इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर लंदन, यानी ICE लंदन के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंटली एवर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया, तो ये है दोस्तों आपका प्रमोद भगत। कौन है? प्रमोद भगत, यानी ऑप्शन ए सही है, यानी प्रमोद भगत को डिफरेंटली एवर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2019 का जो है खिताब के लिए चुना गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत जो है मोहन बगान रत्न 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये है दोस्तों आपका शिवाजी बनर्जी। कौन है? शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत जो है मोहन बगान रत्न 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये है दोस्तों फुटबॉलर, यानी वेस्ट बंगाल का जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर है। अगला क्वेश्चन है, UNDP इन्वेटर पुरस्कार से किन दो भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है? UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2021 से किन दो भारतीय संगठन को जो है सम्मानित किया गया है, तो ये दो है दोस्तों आपका, यानी स्नेह कुंजा ट्रस्ट और दूसरा है अधि मलाई कंपनी, यानी ऑप्शन सी सही होगा, यानी इसका दोनों उत्तर सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, AIFF वोमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया, तो ये फुटबॉलर है दोस्तों आपका नंगम गोम बाला देवी। कौन है? नंगम गोम बाला देवी को जो है ये वोमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। अगर इसी में जो है ये था दोस्तों आपका फीमेल के लिए, अगर मेल के लिए जो है यानी मेंस में अगर पूछा जाए पुरुष में, तो वो हो जाएगा दोस्तों संदेश झिंगन। कौन होगा? संदेश झिंगन। तो और अगर दोस्तों बोला जाए इमेजिंग फुटबॉलर के तौर पर किसे चुना गया, तो ये हुआ इमेजिंग में होगा सुरेश सिंह वांगझम। कौन होगा? सुरेश सिंह वांगझम। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता, तो ये है दोस्तों आपका
जेला अवंत, कौन है? जेला अवंत गार्डे। यह जेला अवंत गार्डे जिसे नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता 2021 का खिताब के लिए चुना गया, यानी ऑप्शन डी सही है। इस प्राइज में है दोस्तों, आपको बता दें, 50,000, कितना? 50,000 जो है USD दिया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वह व्यक्ति है दोस्तों, यानी वह महिला है आपका, सुमित्रा मित्र। कौन है? सुमित्रा मित्र, यानी ऑप्शन ए सही है। यह जो है दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह है दोस्तों यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। कौन है? यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस, ऑफिस के द्वारा जो है ये दिया जाता है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विलम्बन चैंपियन 2021, यानी विलम्बन जो है टेनिस चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो महिला में हो जाएगा दोस्तों आपका ये एसली बर्टी। कौन है? एसली बर्टी। यह एसली बर्टी को जो है ये विलम्बन चैंपियनशिप जो है टेबल टेनिस 2021 का खिताब महिला में दिया गया। और अगर पुरुष की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच, यानी पुरुष एकल में हो जाएगा नोवाक जोकोविच जो सर्बिया का है। और बता दें ये जो है एसली बर्टी ये कहाँ का है? ये एसली बर्टी जो है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 69, यानी 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये था दोस्तों मिस यूनिवर्स आपका एंड्रिया मेजा। कौन है? एंड्रिया मेजा, यानी ऑप्शन डी सही है। ये है एंड्रिया मेजा। तो इस प्रतियोगिता में जो है दोस्तों भारतीय जो है महिला ने भी हिस्सा लिया था, जो टॉप 5 में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहा था वो महिला कौन थी? एडलिन कैस्टिलिनो। कौन थी? एडलिन कैस्टिलिनो थी जो टॉप 5 में अपना जगह बनाने में कामयाब हुई थी। और बता दें एंड्रिया मेजा जो है दोस्तों ये कहाँ की है? यह है मेक्सिको की है एंड्रिया मेजा। और ये प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? तो ये प्रतियोगिता हुआ था आपका दोस्तों फ्लोरिडा में। कहाँ हुआ था? फ्लोरिडा में ये प्रतियोगिता कराया गया था। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां शेख जायद अवार्ड 2021 पहली बार किस भारतीय ने जीता है? तो वह कौन पहला भारतीय है जिसने 15वां शेख जायद अवार्ड 2021 जो है जीता है? तो वह भारतीय है दोस्तों आपका है ताहिरा कुतुबुद्दीन, यानी ऑप्शन सी सही है। और इसका बुक था जिसके लिए यह पुरस्कार दिया गया था, वो बुक था अरबिक ओरेशन। कौन था? अरबिक ओरेशन ये बुक था जिसके आर्ट और जो है फंक्शन के लिए इसको ये 15वां शेख जायद अवार्ड 2021 दिया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? यानी 2021 का जो है विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया गया? तो ये है दोस्तों आपका डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट।
ये है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह फिल स्टेट, यानी ऑप्शन सी सही है। तो जैसे विश्व खाद्य पुरस्कार, अगर विश्व खाद्य दिवस पूछा जाए तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इस पुरस्कार में जो है विजेताओं को 2,50,000 जो है अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि दी जाती है, यानी इस पुरस्कार में विजेता को 2,50,000 की राशि दी जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल यूरोपियन जो है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी सी आई यू ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है दोस्तों आपका के सेलेजा। कौन है? के सेलेजा, यानी ऑप्शन सी सही है, ये है के सेलेजा। तो ये जो है दोस्तों आपका बता दें कि फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है केरल का, कहाँ का फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है केरल का, यानी केरल का जो है फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है ये डॉक्टर के सेलेजा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किस भारतीय को जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन आई से सम्मानित किया गया है, यानी गोल्डन आई जो है किसे दिया गया है 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में? तो ये है दोस्तों आपका पायल कपाड़िया। कौन है? पायल कपाड़िया, जिसे गोल्डन आई दिया गया 74वें कांस फिल्म महोत्सव में। तो दोस्तों बता दें इसका डॉक्यूमेंट्री क्या था, इसका डॉक्यूमेंट्री था ये नाइट ऑफ नोइंग नथिंग था इसका डॉक्यूमेंट्री। और इसको किस के लिए दिया गया था? वाइल्ड गोल्डन अवार्ड। तो दोस्तों बता दें इसमें खास बात, ये फिल्म से जो है फिल्म जगत से मैं एक स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके आप फिल्म जगत के जो है पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है, यानी वह कौन सा जो है मुख्यमंत्री है जिसे स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया? तो वह मुख्यमंत्री है दोस्तों YS जगमोहन रेड्डी। कौन है? YS जगमोहन रेड्डी, ये जो है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो है CM है जिसे यह पुरस्कार दिया गया है। तो वर्तमान में अगर राज्यपाल पूछा जाए आंध्र प्रदेश का तो वो होगा विश्वभूषण हरिश्चंदन। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो वह कौन सा टीम है जिसने इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब अपने नाम किया? तो वह टीम है दोस्तों मुंबई सिटी एफसी, यानी ऑप्शन सी सही है, जो AK यानी ATK मोहन बगान को जो है 2-1 से पराजित कर यह खिताब जीता है। यानी इंडियन सुपर लीग किसने जीता? तो मुंबई सिटी FC, जो गोवा में आयोजित किया गया था। कहाँ? गोवा में ये प्रतियोगिता, ये मतलब खेल चलाया गया था इंडियन सुपर लीग। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो वह कौन सा टीम है जो विजय हजार ट्रॉफी जो है 2020-21 का खिताब अपने नाम किया? तो वह टीम है दोस्तों आपका मुंबई, यानी वह टीम है आपका दोस्तों मुंबई, ऑप्शन डी, जिसने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हराया, यानी यूपी को जो है 6 विकेट से पराजित किया है।
पराजित कर ये मुंबई जो है आपका बता दे दोस्तों चार बार, ये चार बार जो है यह विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। बता दे दोस्तों ये विजय हजार ट्रॉफी जो है फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ, तो ये है दोस्तों आपका अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच न्यू दिल्ली में है जहां ये मैच संपन्न हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला विश्व मानवीय पुरस्कार 2021 जो है किसे मिला है, तो ये आपको बता दे दोस्तों ये रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है। रुमाना सिन्हा सहगल को ये नेल्सन मंडेला विश्व मानवीय पुरस्कार 2021 मिला है, यानी ऑप्शन बी सही है। तो ये कहाँ की है, ये हैदराबाद की है। ये रुमाना सिन्हा सहगल कहाँ का है, हैदराबाद की है। तो इसको देने वाला कौन था दोस्तों, किस संस्था के द्वारा दिया गया, तो ये था डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में जॉय बाइडेन ने किसे भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार के लिए किस भारतीय को चुना है, यानी जॉय बाइडेन ने जो है भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार के लिए किस भारतीय को चुना है, तो वह भारतीय है दोस्तों आपका अंजलि भारद्वाज। कौन है, अंजलि भारद्वाज, यानी ऑप्शन ए सही है। अंजलि भारद्वाज को जो है भ्रष्टाचार विरोधी के लिए जो है ये जॉय बाइडेन ने चुना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार 2021 जो है पहली बार किस भारतीय को दिया गया, तो वह भारतीय है दोस्तों आपका सुरेश मुकुंद। कौन है, सुरेश मुकुंद, यानी ऑप्शन डी सही है। ये सुरेश मुकुंद को जो है विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार दिया गया था, और ये इसको किस लिए दिया गया था, तो ये अमेरिकी ड्रामा जो है वर्ल्ड ऑफ डांस में जो है इसका बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया गया। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न हुए 2020-21 ला लीगा फुटबॉल कप का विजेता निम्न में से कौन रहा, तो वह कौन सा टीम है जो ला लीगा फुटबॉल कप का विजेता रहा 2020-21 में, तो वह टीम है दोस्तों है एटलेटिको मैड्रिड। कौन है, एटलेटिको मैड्रिड, यानी ऑप्शन बी सही है। ये जो है डिफेक्टेड रहा था कौन टीम, तो रियल मैड्रिड। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटनी ग्लिचिट पुरस्कार 2021 जो है किसने जीता, तो वह है दोस्तों आपका हॉकी इंडिया। कौन जीता है, हॉकी इंडिया, यानी ऑप्शन ए सही है। तो यह पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया गया, तो वो है दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसने एंटनी ग्लिचिट पुरस्कार 2021 दिया है। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्फ प्रतियोगिता PGA चैम्पियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता, तो वह है दोस्तों आपका फिल मिकेलसन। कौन है, ये फिल मिकेलसन है यूएसए का जिसने गोल्फ प्रतियोगिता में जो है PGA चैम्पियनशिप पुरस्कार जीता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की दौड़ में। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड जो है 2021 किसे प्रदान किया गया, तो वह व्यक्ति है दोस्तों आपका CNR राव। कौन है, CNR राव, यानी ऑप्शन सी सही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2021 जो है दिया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत में तंबाकू जो है रोकथाम के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो वह व्यक्ति है दोस्तों आपका डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन बी सही है।
ये डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है विश्व स्वास्थ्य WHO ने भारत में तंबाकू रोकथाम के लिए जो है सम्मानित किया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 का जो है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो वह कौन सा जो है व्यक्ति है जिसे 2021 का जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो वह व्यक्ति है दोस्तों आपका डेविड डायोप। कौन है? डेविड डायोप, यानी ऑप्शन सी सही है। तो इसका बुक था दोस्तों, यानी किस बुक के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, तो वो बुक था नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, यानी ये फ्रेंच का था, यानी फ्रांस का था, ये डेविड फ्रांस का था डेविड डायोप, और फ्रेंच भाषा में ही था नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक, इसी के लिए इसको दिया गया। तो इसको ट्रांसलेट किया था अन्ना मोकोचोविकिक्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 हाल ही में जो है भारत के किस पर्यावरण संगठन ने जीता है, तो वो संगठन कौन है दोस्तों? फैमिली फॉरेस्ट्री। कौन है? फैमिली फॉरेस्ट्री, जिसने लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जो है जीता है। ये जो है फॉरेस्ट कहाँ है दोस्तों? ये फॉरेस्ट आपका दोस्तों राजस्थान का है, जिसने लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जो है जीता है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण ये करेंट अफेयर अवार्ड यानी पुरस्कार से सम्मानित संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।